देख सकते हैं हम जो है दरगाह का जो मेन गेट है वहाँ पर अभी आ गए हम, और वहाँ ही की तरफ भी देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जो है बड़ा मेला लगा हुआ है। चलेंगे हम यहाँ देखेंगे तो छोटे बच्चों का जो हेलीकॉप्टर वाला झूला होता है काफ़ी खूबसूरत झूला होता है। जो मेन गेट है ये देखें आप, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत गेट है दरगाह का, और अभी अंदर भी लेके चलेंगे दरगाह में। और आप देख सकते हैं अभी हमें लेडीज़ परस की शॉप में, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ पर जो है लेडीज़ परस है, और थोड़ा बहुत हम जो है आपको दिखाते भी है और भाई से रेट भी जानते हैं। हाँ जी बताइए कुछ बारे इनके बारे में। सारे ब्रांडेड की तो क्या क्या रेट होंगे भाई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मौजूद है हम सलवार शरीफ के अंदर, और जो कि सलवार शरीफ के अंदर दरगाह शरीफ है, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज के बड़े बेटे की यहाँ पर दरगाह शरीफ है, और आज हम आपको जो है दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराएंगे। और ठीक यहाँ पर जो है काफ़ी खूबसूरत जो मेला लगता है, और क्या मेले में यहाँ पर दुकानें लगती है पूरा आपको दिखाएंगे, और काफ़ी खूबसूरत जो है मेला लगता है दरगाह के ठीक जो मेन गेट है उसके ही नज़दीक में यहाँ पर मेला लगता है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर मेला लगा हुआ, तो आपको दिखाएंगे भी मेला घुमाएंगे भी, और क्या क्या यहाँ पर जो मेले में दुकानें लगती है, किस तरह का सामान बिकते हैं वो भी दिखाएंगे, और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत जो है रात के समय का एक माहौल भी रहता है तो वो भी दिखाएंगे। तो कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों कैमरा घुमाते हैं और पूरा यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम मौजूद है सलवार शरीफ के अंदर, और आज जो है सलवार शरीफ दरगाह का जो है उरस है, तो उरस का कैसा माहौल है नज़ारा वही दिखा रहे हैं आपको। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी दुकान लगती है सलवार शरीफ दरगाह के बाहर की तरफ, और यहाँ मेला जो लगता है उस मेले का ही पूरा मंजर है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ कुर्ते हैं देख सकते हैं आप, और यहाँ शेरवानी भी रखी गई है, काफ़ी बढ़िया शेरवानी है जैसे कि आप देख रहे हैं अभी। और यहाँ भाई साहब रेट जानते हैं, रेट क्या रेट है, क्या रेट की होगी भाई? सबका अलग अलग, सबका रेट अलग अलग, फिर भी एक आध का तो बता दो। कम से कम 300 रुपये से लेके 1500 रुपये, 300 रुपये से लेके 1500 रुपये तक का यहाँ पर आपको जो है कुर्ता शेरवानी जो भी होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये मार्केट का पूरा नज़ारा दिखाते हुए आपको लेके चलेंगे, जहाँ पर अभी झूले वूले भी लगे हुए वो भी आपको दिखाएंगे, फिर आपको लेके चलेंगे दरगाह के अंदर, और दरगाह के अंदर आपको ले जाके ज़ियारत कराएंगे, और दरगाह के अंदर का भी कैसा माहौल है वो भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको पूरा यहाँ का माहौल का नज़ारा कराते हुए चलते हैं, यहाँ पर दुकानों में क्या क्या सामान मिल जाते हैं आपको दिखाते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लेडीज़ चप्पलें भी मिल जाएगी आपको, और ऊपर में शर्टें टंगी हुई है, काफ़ी खूबसूरत शर्टें यहाँ पर मिल रही है जो कि 200 रुपये सेल वाली है, सेल के आइटम है। और यहाँ पर नीचे जूते हैं, काफ़ी बढ़िया जूते हैं यहाँ पर, और यहाँ भी जो जूते की रेट है 200 रुपये आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया वाले जूते हैं। और अंदर जैसे कि आप देखेंगे अंदर भी जो है यहाँ पर काफ़ी मतलब बढ़िया वाली चप्पलें हैं बच्चों में, और अंदर टी शर्ट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो लेडीज़ प्रेस मिल जाएंगे आपको बढ़िया वाले। तो आप देख सकते हैं अभी हमें लेडीज़ परस की शॉप में, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ पर जो है लेडीज़ परस है, और थोड़ा बहुत हम जो है आपको दिखाते भी है और भाई से रेट भी जानते हैं। तो पहले आप लेडीज़ परस देख ले, काफ़ी खूबसूरत लेडीज़ परस है यहाँ पर सलवार। हाँ जी बताइए कुछ बारे इनके बारे में। सारे ब्रांडेड की। तो क्या क्या रेट होंगे भाई? 1000 प्लस है सारे। अच्छा ये वाले जो 1000 प्लस है, 3 पीस का सेट आएगा कॉम्बो सेट। तो ये देख सकते हैं आप 300 रुपये का सेट आएगा जो कि 350 का ये सेट आएगा जो कि 550 रुपये का ये। अच्छा 200 रुपये कम आएगा ये, 350। तो काफ़ी जो देख 150 के दो आएंगे, तो ये 150 के दो वाले हैं, काफ़ी खूबसूरत भाई की जो है शॉप लगी हुई है, काफ़ी खूबसूरत शॉप है देख सकते हैं यहाँ पर आप इधर आए आराम से परचेज करें, काफ़ी आपको कम रेट भी लगा देंगे। तो चलिए आके आपको लेकर चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी दुकानें लगी हुई है, और आगे की तरफ जो है दरगाह का मेन गेट है, और मेन गेट की तरफ भी जो है मेला लगा हुआ, जो झूले वगैरह होते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं अभी रात का समय हो रहा है, और लगभग अभी 9 बज रही है, 9 बजे की तरफ 9 बजे का ये जो मंजर है। तो चलते हैं आगे की तरफ। जैसे कि अभी अपन आ गए मेले के अंदर, और ये देख सकते हैं यहाँ पर प्लेटें वगैरह लगी हुई है, काफ़ी खूबसूरत प्लेटें हैं जो घर के इस्तेमालों में आती है, और सब ये फाइबर में होने वाली है, बढ़िया वाली प्लेट है ये। अभी हम आ गए खिलौने की शॉप में, देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए जो खिलौने होते हैं बढ़िया वाले यहाँ भी आपको मिल जाएंगे, किचन टाइप में भी है, कार में है, काफ़ी बढ़िया खिलौने होने वाले। और सामने की तरफ आप देखेंगे तो मेन गेट दिखेगा, आपको आगे ले आके दिखाएंगे, पहले आप ये पूरा मार्केट का नज़ारा देखें, काफ़ी खूबसूरत मार्केट लगी हुई है। और अभी आप देख सकते हैं हम जो है दरगाह का जो मेन गेट है वहाँ पर अभी आ गए हम, और वहाँ ही की तरफ भी देख सकते हैं।
सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जो है बड़ा मेला लगा हुआ है। चलेंगे हम मेला आपको दिखाएंगे पूरा अंदर से। पहले आप ये दरगाह का जो मेन गेट है ये देखें आप, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत गेट है दरगाह का। और अभी अंदर भी लेके चलेंगे दरगाह में, पर पहले आपको जो है यहाँ पर बड़ा मेला लगा हुआ दिखाते हैं। तो चलिए चलते अंदर की तरफ। जैसे कि अभी अपन आ गए हैं अंदर की ओर, और यहाँ पर जो है ड्रैगन झूला लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा झूला है देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बंदूक, जो बंदूक में निशान लगाया जाता है वो देख सकते हैं यहाँ पर आप। और यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटे बच्चों का जो हेलीकॉप्टर वाला झूला होता है, काफ़ी खूबसूरत झूला होता है। और यहाँ पर जो है बच्चे सवारी कर रहे हैं झूले के अंदर देख सकते हैं आप। काफ़ी मतलब बहुत अच्छा यहाँ पर जो है झूले लगे हुए हैं, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर जो आप देख सकते हैं मेला लगा हुआ है, और काफ़ी जायरीनों की भीड़ है। चलते हैं आगे भी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जो है सलवार शरीफ के अंदर जो मेला लगा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत मेला लगा हुआ है। और तमाम ज़ायरीन जो है यहाँ पर अभी मौजूद है इस मेले के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको पूरा जो मेला था वो दिखा दिया हूँ, अब मैं आ गया हूँ दरगाह के काफ़ी नज़दीक में। और देख सकते हैं जो दरगाह का पहला गेट है, जो एक नंबर गेट है यहाँ पर, काफ़ी बड़ा गेट है। और इस गेट से होते हुए अपन अभी दरगाह में चलेंगे। और जैसे कि बता दूँ ये जो सलवार शरीफ की दरगाह है, ये जो खाया साहब के बड़े बेटे हैं उनकी यहाँ पर जो है दरगाह शरीफ है। तो चले हम आपको लेके चलते हैं दरगाह के अंदर, और आपको ज्यारत कराते हैं, और दरगाह के अंदर का भी कैसा पूरा माहौल है वो दिखाते हैं। तो ये बाहर की तरफ का पूरा माहौल है जो हमने आपको दिखाया था, तो अब चलेंगे आप अंदर की ओर। तो चलिए चलते हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों अपन अभी दरगाह के अंदर आ चुके हैं, और जैसे ही मैं अंदर आया हूँ तो यहाँ का ऐसा काफ़ी खूबसूरत जो मंजर है आप देख सकते हैं। और ये बाहर का मंजर है जो भी आप देख रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत गेटों पर जो लाइटिंग लगी हुई है काफ़ी खूबसूरत लगी हुई है। और अभी मैं अंदर हूँ, और यहाँ पर जो उरस होते हैं वो 10 दिन के होते हैं। तो इसी मारे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग पहले से आके यहाँ रुकते हैं, और यहाँ कुछ लोग आराम कर रहे हैं। और आगे जो है कवाली की महफिल हो रही है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं, क्या कवाली की महफिल हो रही है वो आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पर हमें जो है वज़ू खाना देखने को मिला है, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत वज़ू खाना बना हुआ है, और ज़ायरीन यहाँ पर जो है वज़ू कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है कवाली की महफिल हो रही है वज़ू खाने के ठीक सामने। Oh,
माशाल्लाह जैसे कि आप देख सकते हैं दरगाह के ठीक नज़दीक में कवाली की महफिल हो रही है और तमाम सहेलियाँ बैठ के आराम फरमा रहे हैं। और अभी अपन चलेंगे अंदर ही आस्थाने में और आपको ज़ियारत कराएंगे और उधर का भी कैसा माहौल है वो भी आपको दिखाएंगे। और काफ़ी खूबसूरत जो है दरगाह को सजाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं जगह जगह काफ़ी खूबसूरत लाइटिंग से सजा दिया गया है और यहाँ पर कवाली की महफिल हो रही है। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। दोस्तों अंदर जाने से पहले मैं आपको पूरा जो एकदम जो सजावट करी गई है माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत सजावट, तो वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखें माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत सजावट करी गई है और वो सजावट आपको दिखाने के बाद अपन चलेंगे आस्थाने के अंदर और अंदर आपको ले आके ज़ियारत भी कराएंगे। और आप देखें माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत सजावट करी गई है। तो चलिए अब चलते हैं आस्थाने के अंदर और आपको दिखाते हैं माशाल्लाह कैसा एक आस्थाना मुबारक है और वहाँ पर किस तरह ज़ायरीन जो है ज़ियारत करते हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों अभी हम आ गए आस्थाने की तरफ ही और सामने आप देखेंगे तो आपको आस्थाने का जो गेट है नज़र आएगा और ऐसा लग रहा है जैसा कि आस्थाना गेट जो अभी मामूल कर दिया गया है। फिर हम जो है पीछे वाले गेट की तरफ जाएंगे, वहां पर देखेंगे अगर गेट खुला होगा तो आपको ज़ियारत कराएंगे, नहीं तो हम बाहर से ही ज़ियारत करके चले जाएँगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं सामने आस्थाने का एक नंबर गेट है और ये आस्थाने की तरफ का पूरा ये माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मंज़र है जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। तो जैसे कि आपने देख लिया है आस्थाना गेट अभी मामूल है और बाहर से जो है फूल पेश करवा के ज़ियारत करवा के यहाँ से भेजा जा रहा है माशाल्लाह। तो अभी लेट हो गए शायद हम आने में, तो इसी मारे आपको जो आस्थाने मुबारक की ज़ियारत नहीं करा पाए, बाहर से आपको करा रहे माशाल्लाह। तो अभी चलते हैं अपन पीछे वाले गेट की तरफ, वहाँ का भी देखते गेट खुला होगा तो आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया जा कि पीछे वाला गेट है जो, तो वो भी गेट अभी मामूल है आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली बार आएंगे तो आपको ज़रूर ज़ियारत कराएंगे, पर बाहर से आपको ज़ियारत करा के जा रहे हैं। और देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मतलब रात के समय का एक माहौल है। तो माशाल्लाह दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके बताना। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों मिलता है आपको इसी के साथ एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।